بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلاة परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग राह खुदा में कत्ल कर दिए गए, मार डाले गए, तहतेक कर दिए गए, उनके बारे में गुमान भी न करना कि वो मुर्दा हैं, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, उनको हयात अबदी दी गई है। इन दरब महम युरज़कून, और अपने परवरदिगार की तरफ से उनको रिस्क मिलता रहता है और वो हयात जिंदा है। लेकिन ज़िंदगी की दलील ये हम नहीं दे रहे, जाहिर है हमारी ना कोई हैसियत है ना हमारी कोई औकात है कि हम कत्ल होने वालों को कोई जो है वो खिताब या टाइटल दे सकें। ये कुरान कह रहा है कि जो मुसलमानों में सबसे अहम किताब है और सबका इसके ऊपर अकीदा और ईमान है कि कुरान अल्लाह का वाहिद कलाम है कि जो उम्मत की हिदायत और रहबरी के लिए नाजिल किया गया है, और हम कुरान का हर तरीके से एहतराम करते हैं। और वो कुरान साफ साफ कह रहा है कि ला रद्द मिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुशकोतर का जिक्र कुरान में मौजूद है। जो जो कत्ल हुए उनका तज़किरा है, यहिया कत्ल हुए उनका तज़किरा है, हाबील कत्ल हुए उनका तज़किरा है, जो जो कत्ल हुए हैं शुहदाए करबला हैं उनका तज़किरा मौजूद है, और लोग जो भी कत्ल किए गए हैं राह खुदा में उनका भी तज़किरा कुरान में किसी न किसी उनवान से परवरदिगार ने जिक्र किया है। तो शहीद वो है कि जिसका तज़किरा कुरान में भी मिलता है, शहीद वो है कि जिसका जिक्र कुरान कर रहा है, और शहीद की सताइश से शहीद की तारीफ, शहीद की अजमत, शहीद की बुजुर्गी, शहीद का वक़ार, शहीद के किरदार की तारीफ कौन कर रहा है कि वो कि जो सबका मालिक है, सबका राजिक है, सबका खालिक है। अब जाहिर है कि जिसको खुदा जो है वो जिंदगी अता कर दे उसको कोई माई का लाल मार नहीं सकता। सलावात पढ़े मोहम्मद। अब शहीदों के मज़ारों पर लोगों का आना, लोगों का अकीदत के जो है वो अपने अकीदत के फूल चढ़ाना, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें, अपने दर्द दिल, अपने अमराज की शिफा, अपने मुरादों को मांगने के लिए आना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इतना उन शहीदों को रिस्क दे दिया है कि वो अपने चाहने वालों को और अल्लाह के बंदों को बांट रहे हैं। कोई शिफा लेकर जाता है, कोई कुव्वत गोयाई लेकर जाता है, कोई बसारत लेकर जाता है, कोई बसीरत लेकर जाता है, कोई चलने की कुव्वत लेकर जाता है, कोई हाथों में सकत लेकर जाता है, कोई जहानत लेकर जाता है, कोई जकावत लेकर जाता है, कोई तलाकत लेकर जाता है,
कोई अदालत का शऊर लेकर जाता है, कोई फकाहत का समय फकाहत का फकीर फकाहत लेकर जाता है, कोई इल्म कलाम में दस्तरस्त हासिल करने के लिए दुआ मांगता है तो इल्म कलाम में उसको जाज़िबियत, कोई कलम में रवानी मांगता है तो कोई तबीयत में रवानी मांगता है, कोई जौदत तबा मांगता है, जो फ़क्र फाके उसमें मुबतला है वो दौलत मांगते हैं तो दौलत मिलती है, जो गूंगे हैं वो तलाकत लिसानी मांगते हैं तो उनको तलाकत लिसानी मिलती है, जो दुश्मनों के शर से बचना चाहते हैं उनको तहफ़ मिलता है, जो दुश्मनों पर गलबा हासिल करना चाहते हैं उनको शजात और बहादुरी मिलती है, बुजदिल आता है तो बहादुर हो जाता है, कमज़ोर आता है तो शहजोर आता है, ये सारा जो है वो शहीदों के मज़ारों पर मिलता है। वो क्या बांटेंगे कि जो अपनी मदद दुनिया में ना कर सके वो दूसरों की मदद क्या करेंगे। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शहीद हर जमाने में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंसान को अजीज होती है वो अपनी जान अजीज होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको जिस चीज को इंसान प्यार करता है वो अपनी जिंदगी से प्यार करता है, जिंदगी से। इसी के लिए, इसी जिंदगी के लिए इंसान दौलत खर्च करता है, इसी जिंदगी के तहफ्फुज़ के लिए इंसान दिरहम और दीनार खर्च करता है, इसी जिंदगी के लिए इंसान कभी कभी जिल्लत को बर्दाश्त कर लेता है, बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेता है, इहानत को बर्दाश्त कर लेता है कि जिंदगी बच जाए। लेकिन वो लोग हैं कि जो जिंदगी से प्यार करते हैं, लेकिन आज जो खुदा के चाहने वाले हैं, रसूल के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, अल्लाह के चाहने वाले जो है वो जिल्लत अपनी जात के लिए तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खुदा के मक़ा खुदा के लिए वो जिल्लत भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेते हैं और राह खुदा में जान देकर अल्लाह की वहदानियत को भी मनवा लेते हैं, अपनी इज्जत और शरफ को भी मनवा लेते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। तो इंसान को अपनी जान प्यारी होती है सबसे ज्यादा, और लेकिन कहां जान को देना है। माल के लिए तुमको जान दे, जान दे, वो समझ लीजिए कि वो दौलत का पुजारी है। जो इंसान जो है वो मुल्क के लिए जान दे, वो समझ लीजिएगा कि दौलत हुकूमत का हरीस है। जो इंसान इलाके के लिए और जो है वो सीमो जर के लिए अपनी जान दे, वो समझ लीजिएगा कि वो सीमो जर का लालची और हरीस था। लेकिन वो आदमी कि जिसने खुदा को देखा नहीं, जिसने खुदा को मुलाहजा किया नहीं, जिसने खुदा को अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन गैब पर ईमान रखते हुए अपने खुदा के लिए भी जान देने के लिए तैयार है, और 12 इमामों को देखा नहीं उनके ऊपर भी गैब पर ईमान रखते हुए उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, माल भी देने के लिए तैयार है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शहीद का दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है, शहादत का दर्जा अजीम दर्जा है। कभी ये आया कुरान में कि देखो जो लोग राह खुदा में कत्ल हो गए मुर्दा नहीं है। ये और बात है कि लोग जो है वो शऊर नहीं रखते, वो समझते नहीं है, वो जानते नहीं। तो शहीद के बारे में जो है वो कहा जा रहा है गुमान भी ना करना, कहना तो दरकिनार। शुक्र फिक्र पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सोचने पर कोई कदम नहीं लगाई जा सकती, लेकिन शहीद का मामला ऐसा है कि परवरदगार सोचना भी गवारा नहीं करता तो जबान का खोलना कैसे बर्दाश्त कर लेगा शहीद के खिलाफ। सलावात पढ़े मोहम्मद। इसलिए कि शहादत वो दर्जा है कि इंसान की आंखें होती है। हमें आपको माह रमजान में जो दुआएं हैं उन दुआओं में दुआ इफ्तिताह पढ़ते हैं उसमें भी तज़किरा के परवरदिगार हमको शहादत की मौत अता करना। शहादत की मौत अमीरुल मोमिनीन ने अपने फरमाया एक जगह पर, इन्ना अकरमल मौत अल कत्ल, सबसे इज्जत की मौत, सबसे बुजुर्ग मौत, सबसे आला क्वालिटी की मौत जो है वो तलवार से कत्ल होना है। तलवार से कत्ल होना ये सबसे बड़ी जो है वो बहादुरी और शजाअत और सबसे इज्जत की मौत है। और याद रखिए कि जो आदमी मैदान जंग में आता है वो अपने ये सोच के नहीं आता कि हमको जाने के बाद कत्ल करता होना है। तो अगर ये कहा गया अगर खाली कत्ल करने वाले जो है वो मैदान शजाअत में मैदान दाद शजाअत ना देते तो दुनिया कहती कि ये तो शहीद होने वाले। इसीलिए बहादुर वही हो कि जिन्होंने मैदान में आके कत्ल भी किया और उसके बाद जब निढाल हो गए तो सर अपना
बारगाह रब्बुल इज्जत में झुका दिया और जालिमों ने उनके सर को काट दिया। काट तो लिया, लेकिन ये भी बता दिया कि जो खुदा की राह में सर बोल जो कटाता है वो भी जिंदा रहता है, और जो हमारे खास बंदे अहले बैत के लिए सर कटाता है वो भी जिंदा है, और दोनों की मिसाल पैदा कर। हुसैन ने परवरदगार की मोहब्बत में जो है वो जान दी, तो रोके नैजा पर इतलावत कुरान करके इमाम हुसैन ने बता दिया कि जो खुदा के लिए सर कटाता है वो जो है वो कभी मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो नौके नैजा पर भी तिलावत कुरान करके और अल्लाह की आयतों को दोहरा के बताता है कि जिस कुरान ने कहा था कि जो राह खुदा में कत्ल हुए उनको मुर्दा गुमान न करना कि वो मुर्दा है बल्कि वो जिंदा है और अपने परवरदिगार की तरफ से रिश्वा है। अब उसके बाद जो हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में मरे उन्होंने भी दुनिया के सामने साबित कर दिया। करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि या अब्ताल सफा व या फरसान हैजा माली उनादी तुम फला तो जीबूनी, ए मेरे शेरो ए मेरे बहादुरों, जो जिनके लाशें पड़े हुए थे सर रखे हुए थे, हुसैन का आवाज देना था कि ए मेरे शेरो ए मेरे बहादुरों मैं तुमको पुकार रहा हूं, तुम मेरी आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहते, मेरी आवाज पर बोलते बोले, बस इतना कहना था कि लाशाए शहादा तड़पे कटे हुए सर बोलने लगे, मौला मौत अगर हमारे और आपके दरमियान में हायल ना हो जाती है तो हम आपकी नुसरत से गुरेज ना करते। दोनों ने साबित किया जिसने खुदा के लिए जान दी वो भी जिंदा है और जिसने हुसैन के लिए जान दी वो भी जिंदा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो शहीद हर दौर में जिंदा। अब इसके बाद जिंदगी की दलील ये है कि सारी दुनिया उनके मजारात पर उनके अदबात में जाकर दुआएं पढ़ती है, दुआओं में मुस्तजाब होती है और हर एक को जो जिस चीज के लिए मांगने आता है जिस चीज की हाजत होती है वो बारगाह इमाम हुसैन से और बारगाह अहमदार से, चाहे वो करबला में आके मांगे, चाहे वो नजफ में जाके मांगे, चाहे वो सामर्रा में जाके मांगे, चाहे वो जो है वो खुरासान में जाके मांगे, चाहे वो जन्नतुल बकी में जाके मांगे, जिस दरवाजे पर आ गए, चाहे जहर से शहीद किया गया हो चाहे तलवार से शहीद किया गया हो, अल्लाह ने इनको जिंदगी दी है, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। दुनिया फना के घाट उतर जाएगी लेकिन अहले बैत की भी हयात जो है वो सर चढ़कर हमेशा बोलती रहेगी। न इनको कल कोई मुर्दा तसव्वुर कर सका है, न आज मुर्दा तसव्वुर कर सकता है, न आने वाले जमाने में, ये जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बस ये बताना है कि दुनिया ने इनको शहीद हो जाने के बाद जब इनके जिस्म जान से तो बदला लिया, जब जिंदा थे तो किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नैजा मारा, किसी ने जहर दिया, किसी ने तीनों से इनको छलने किया, सब कुछ कर दिया पूरे बदन पे। इमाम हुसैन के बदन पे 9,900 जख्म थे। मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी में जंग उहद में 61 जख्म मौलाए कायनात को लगे थे। 61 जख्म जंग उहद में मौलाए कायनात को 61 जख्म लगे थे। और 62वां जख्म जानते कब लगा? जब वो लगा कि जब मस्जिद कूफा में मौला जो है वो पहली रकत के पहले सजदे में थे, सर उठाया तो उस वक्त जो है वो लगी जर। लेकिन याद रखिए कि सर कट जाने के बाद जिस्म दुनिया ने छलनी कर दिया, घोड़ों से लाशों को पामाल कर दिया, अब तो दुश्मनी रोक देते, अब तो एनास से बात आ जाते, अब तो बुद्ध हसद को किनारे कर देते, अब तो दुनिया में तुमने हुसैन को कत्ल कर दिया, तुमने न प्यास उनको पानी दिया, न तुमने उनको खाने को दिया, न तुमने मेहमान नवाजी की, न तुमने उनका एहतराम किया, न तुमने उनका पास लिहाज किया, न उनके नाना की हुरमत का ख्याल किया, बल्कि उनकी लाश पर तुमने घोड़े डरा दिए। लेकिन हुसैन उसके बाद भी ऐसे साबित थे कि नौके नैजा पर हुसैन ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, हुसैन ने किसी को बद्दुआ नहीं। हाँ, अगर बहन ने जैनब ने दरबार में जाने के लिए जो है वो दुआ के लिए हाथ बुलंद, बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, भाई के चेहरे पर नजर पड़ी, देखा भाई के चेहरे से आंखों से आंसू जारी है, जैनब तड़प गई, ए मेरे माँ जाए, अरे आपको किसने तकलीफ दी, आपको किसने अजियत पहुंचाई कि भैया आपकी आंखों से आंसू जारी है, एक मरतबा सरे बुरीदा जो अब तक कुरान पढ़ रहा था आवाज आई, ए बहन जैनब, अरे इसी तरह दरबार में चली जाओ, अरे मेरी जो शहादत रहना चाहिए।
बहन ये बीमार का झेलो। ज़ैनब ने सर झुका लिया, ए मेरे मजलूम भैया जो तेरी मर्जी, ज़ैनब तेरी मर्जी से हट नहीं सकती। ज़ैनब अपने सर तस्लीम को, सर तस्लीम को तेरी मर्जी के सामने झुका देती है। ए भैया तेरी मर्जी है, ज़ैनब बेमकना चादर असीरों के साथ सैयद सज्जाद के साथ जालिम के दरबार में चली जाएगी, ताकि मेरे नाना कदीम और तेरी कुर्बानी बच जाए। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। परवरदिगारा मज़ार शहीद सालिस की आज पहली मजलिस है कि जो मुनक़िद की गई है, और इंशाअल्लाह कल से सुबह से मजालिस का इनेकाद होगा। दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हम सबको इन मजालिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा जो ज़ायरीन आ रहे हैं और उनको सेहत व सलामती के साथ बारगाह शहीद में हाजिरी का मौका देना। परवरदिगारा जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं उनको सब्र और हौसला अता फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, और उनको हर किस्म की आफत व बला से महफूज रखना। परवरदिगारा इस मम्लकत हिंदुस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा दहशत गर्दों के शर से हमारे मुल्क को महफूज रखना। परवरदिगारा पूरी दुनिया से कोरोना को नीस्त नाबूद कर दे। परवरदिगारा पूरी दुनिया इंसानियत का तहफ़ फरमा। परवरदिगारा पूरी दुनिया में आज़ादारा ने इमाम हुसैन के जान व माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़ फरमा। परवरदिगारा अफगानिस्तान में शियों के जान व माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़ फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हम सब का शुमार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नासरीन में करना। السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن السيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، السلام عليك يا ابو السلام عليك يا ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين، السلام على علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من اعوانك وانصارك برحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
तो समेत के पैकेट में भर लिए। या पैक कर लिए।
नजमा नजमा Yeah.
तशना लब तशना रहम तशना